तो एक और कमरा है। कौन है वहां? जानता हूं कि तुम कितने होते हो। तुम ना यहां बैठिए आंटी जी, और भागने की फिराक में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि ये एक टापू है और एक किला है, समझ लो दोनों है, और मेरे हर गार्ड की नजर सिर्फ और सिर्फ तुम पर है, समझिए आंटी जी। मुझे यहां लाया था और मैंने कदम गिने थे, 7 कदम के बाद किचन था, 15, 14, 13, 12, 11। शायद मैं गलत जा रही हूं। वही सोफा है जहां मैं टकराई थी, मतलब यहां से मुझे सीधा जाना है। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। खाना लेके मेरे लेफ्ट में किचन होना चाहिए। बाहर है, मुझे अलर्ट रहना होगा। यहां तो कुछ भी नहीं है। ये आवाज तो अलमारी में से आ रही है।
ये क्या है? अलमारी में दरवाजा? क्या हो रहा है जेलर? हमारी हर चाल उल्टी पड़ रही है, अच्छा नहीं लग रहा हमें बिल्कुल भी। यहाँ क्यों आई है? जेलर कहाँ है? जेलर तो बिजी है, और क्योंकि मुझे इस जेल के रास्ते अपने हाथों की लकीरों से बेहतर पता है, तो सोचा तुमसे अकेले मिला हूं। अब जेल तोड़ने के बाद मेरा सेल कालकोठी के इतना करीब आ गया है कि तुमसे मिलना और भी आसान हो गया है। बकवास मत कर, ये मुमकिन नहीं है। तू दरवाजा खोली नहीं, और जेलर के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं है ना? ये देख, ये कार्ड हमारी आजादी की चाबी है। ये कार्ड इस जेल से बाहर जाने का रास्ता है। और ये कार्ड जेलर इतनी आसानी से तो मुझे देती नहीं, क्योंकि वो तेरे लिए भी अपने आप को तो फंसवाएगी नहीं। सच कह रही है, वो नहीं फंसवाएगी, तू जरूर फंसवाएगी, क्योंकि तू अपनी जिंदगी और अपनी आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगी। तेरी माँ भी तो हमारे ही कब्जे में है ना? ये ले। एक मिनट, मैंने तो अपना काम कर दिया, और इस कार्ड को लेकर तू यहां से कल भाग भी सकती है, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल सेफ है, ठीक ठाक है, ये मैं कैसे मानूं? इसलिए तेरी आजादी की चाबी के बदले मुझे मेरी माँ का वीडियो दिखा, ये बता मुझे कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी माँ ठीक हुई तो ये कार्ड तेरा, नहीं तो तेरी आजादी भी इस जेल में मेरी मोहताज होगी। कल 12 बजे तक मुझे वो वीडियो चाहिए, और अगर वो मुझे वीडियो नहीं मिला तो ये जेल तेरे लिए जहन्नम बन जाएगा, या फिर उससे भी बदतर। यहाँ क्या है? ये क्या? यहाँ तो एक और कमरा है। कौन है वहाँ? बल्लू सर ने कहा था मैडम बड़ी तेज है, इस पे नजर रखो, आओ देखते हैं। लगता है कांच जागे। किसी से कुछ मत कहना, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी। ओके बच्चा, किसी से कुछ मत कहना। मैं आऊंगी।
मैडम जी, अब आपका स्लीपिंग टाइम खत्म, शूटिंग टाइम शुरू हो गया। अब आपको हम शूट करेंगे। बल्लू सर का ऑर्डर भी है तो करना तो पड़ेगा ना शूट। वीडियो